हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकल के और खांसी से बहुत हद तक आज़ादी पाने के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो के थ्रू आपको भी कुछ अच्छा महसूस करा दूँ। जिन दोस्तों को ये मतलबी दुनिया डाटा एंट्री के बारे में पूछने पर शर्म महसूस होता है, उनको शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में डाटा एंट्री के बारे में सभी घबराहट को दूर करने के लिए मैं बाबा जी का बूटी लेके आया हूँ। ये प्रसाद रूपी वीडियो का दर्शन करके आप एक्सेल में डाटा एंट्री में खुद को शक्तिमान से कम महसूस नहीं करेंगे, ये तो तय है। पर खुद को गंगाधर भी समझ लिए तो भी चलेगा, क्योंकि आखिर शक्तिमान ही तो गंगाधर है, मतलब गंगाधर ही तो शक्तिमान है। चलिए बकवास बंद करते हुए पहला कदम रखते हैं। कदम रखने से पहले अपने प्यारे से उंगली से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम 5 केजी का आशीर्वाद घर लेते जाइए। तो शुरू किया जाए। मुजरा नहीं, MS Excel। MS Excel एक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट नाम के एक चमकता धमकता कंपनी ने बनाया है। हाँ, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसके मालिक बिल गेट्स अभी अभी अपनी पत्नी से बिछड़ने का गम मना रहे हैं। एक्सेल में फाइल कैसे क्रिएट करें आज जान लेते हैं। आपके विंडो स्क्रीन पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। वहां पे ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक्सेल पे क्लिक करिए। अब ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करिए। एक्सेल विंडो ओपन हो जाएगा। अब फाइल में क्लिक करके सेव बटन में क्लिक करें। फिर कहां पे सेव करना है वो तय करें, यानी माई डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप पे या फिर अपने पसंदीदा कोई ड्राइव के फोल्डर में। फिर फाइल नेम की जगह में उस फाइल के लिए कोई नाम टाइप करें, फिर सेव बटन पर क्लिक करें। आपका फाइल आपके निर्देशित लोकेशन पे क्रिएट हो गया। दूसरा तरीका, कंप्यूटर में आपका पसंदीदा लोकेशन पहले ओपन कर ले, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप में कोई फोल्डर या माई कंप्यूटर में कोई ड्राइव में आपके पसंदीदा कोई फोल्डर ओपन कर लीजिए। अब उस पेज के ऊपर माउस में राइट क्लिक करें। अब राइट क्लिक मेनू में न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो मेनू आया उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक कीजिए। अब जो फाइल आइकॉन आया उस पे फाइल का कोई भी नेम टाइप करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, या फिर माउस के लेफ्ट बटन को पेज पे और कहीं पे क्लिक कर दीजिए। आपका एक्सेल फाइल क्रिएट हो गया। मैं आपके इस सफलता के लिए आपको बधाई देता हूं। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप मुझे एक थम्स अप यानी लाइक दे सकते हैं, यह ऑप्शनल है। देने का मन नहीं है तो दुखी मत होइए। जिंदगी में और भी बहुत सारे मौके आएंगे दूसरों को लाइक करने के लिए। हम अगले एपिसोड में और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड में एक्सेल में कैसे लिखें उसके बारे में जानेंगे। अगला एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।